फिर आगे लिखा हुआ है, हिज ब्लेसिंग्स ऑन द नेबरहुड हु इन द हॉलो ऑफ हिज हैंड होल्ड्स ऑल द ग्रोथ ऑफ आवर लैंड अ नेशंस ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी स्टिल इन हिज हार्ट हु कैन सस्टेन। आपको मैंने कल बोला था पढ़ने के लिए, आपने ट्राई किया इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? वो एक कैरेक्टर की ब्लेसिंग, वो अपने नेबरहुड के लिए, वो अपने नेबरहुड के लिए ब्लेसिंग प्लांट कर रहा है, ठीक है। ओहो दो सेकंड, वो अपने दो सेकंड रुकने जा रहा है। क्या लिखा हुआ है? हिज ब्लेसिंग्स ऑन द नेबरहुड हू इन द हॉलो ऑफ हिज हैंड। यहाँ के हाथ में कोई गड्ढा है, के हाथ में कोई गड्ढा है और वो नेबरहुड उस गड्ढे में रहते हैं। उसका मतलब सिंपल से है कि वो अपने नेबरहुड के लिए, अपने नेबर्स के लिए क्या कर रहा है, एक ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स क्या कहते हैं, ब्लेसिंग्स प्लांट कर रहा है। सब ब्लेसिंग्स कैसे, जो बात में उनका फ्यूचर बनेगी, जो बात में उनका फ्यूचर बनेंगे, ठीक है। एंड नेशंस ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी, और अपने कंट्री के भी ग्रोथ के लिए भी ऐसा कर रहा है। फ्रॉम सी टू सी, सी टू सी मतलब तो कंट्री वाइज आप प्लान लगाओगे। प्लान लगाने से केवल ये नहीं है कि यही कि आपके एरिया में ही बेनिफिट होगा, यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्लान का अगर आप अपने यहाँ पे आपके घर, ऐसा नहीं कि आपके घर के बाहर केवल ऑक्सीजन देगा, वो हर जगह ऑक्सीजन देगा। तो सी टू सी वो ये कहना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसके हार्ट में मिक्स होती है, जब वो ये सारी फील करता है तो ये सारी फीलिंग उसके हाथ में होती है। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इसको यहीं पेंट करते हैं अभी हर साल। इसका एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बाद में पढ़ाता हूँ, टाइप से, ठीक है। अभी आपको कुछ डाउट थे जरा, वो मैं क्लियर कर दूँगा था। मुझे एक बार देखने दो, वो मैंने आज मुगल एम्पायर की वीडियो देखनी शुरू करी है। पहले वो मैं इलेक्शन वाले चैप्टर भी देख रहा था इस चैप्टर में, तो उसमें मेरे को एक ये डाउट था हमारा, अभी ये जो हमारा अकबर की राजपूत पॉलिसी थी, ठीक है, ये मेरे को डाउट समझ आ गया। तो एक्चुअली क्या होता था, मैं निकाल ही लूँ, ठीक है। तो आपका डाउट ये था कि सर अगर इनके बहुत सारे डॉटर्स हैं तो सबों को राज मिलना, सबों को किंगडम मिलना चाहिए, किसी एक को नहीं। तो ऐसा नहीं होता था, किंगडम तो एक ही है, किंगडम तो एक ही है सर। तो जिसकी पहले शादी होती थी उसी को मिलता था, यहाँ पर कोई रिलेटिव क्वालिटी वाली बात थी नहीं, ठीक है। जिसकी पहले शादी होती थी यानी जो बड़ी बेटी होती थी, जिसकी भी शादी पहले होती थी उसी को किंगडम गिफ्ट में मिल जाता था। और क्योंकि अब वो किंगडम उसे मिल गया, वो किंगडम उनके दामाद का हो गया एक तरह से, तब उनकी जो बाद में जो बेटियाँ बची हैं उनकी शादी किससे होती है, तो वो किसी और का किंगडम अब किसी और को नहीं दे सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे कोई राइट इक्वलिटी वाला टॉपिक था नहीं, ठीक है। और एक और था आपका डाउट हो। सर एक डाउट मेरे को और था, ये जो इलेक्शन वाले चैप्टर में ना मैंने पूछना बोल गया था। ये वाला तो मैंने आपको बताया था, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि यूनिवर्सल जो वोट है ना, आप एक ही दे सकते हो। मैंने भी आपको बताया था कि आप एक ही दे सकते हो, नहीं तो आप एक ही पार्टी को अच्छा अलग अलग जगह से जाके आप अकेले बहुत सारे वोट दे दोगे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। और आप कह रहे हो ना कि सर जो इलेक्शन जो उनके जो आपके पास लोग आते हैं उनके सीट में जो एड्रेस लिखा होता है, बस उसी एरिया के लिए वोट दे सकते हो। तो एक्चुअली वो एरिया वो लोग डिसाइड नहीं करते हैं, ये एरिया आप डिसाइड करते हो जब आप अपना वोटिंग आया वोटर आईडी कार्ड बनवाते हो, ठीक है। तो आप अपने एरिया के साथ साथ जिस एरिया में रहते हो ना, अब इस लोकेलिटी में आपका जो घर आता है, आप ऑटोमेटिकली आपको वोट उसी लोकेलिटी के पार्षद को भी देना पड़ता है, यानी वहाँ का जो एमपी होता है, ठीक है, उसको देना होता है। तो वो लोग एड्रेस डिसाइड नहीं करते, आप ही करते हो। और क्या कहते हैं, और आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए बेसिकली। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि आप जिस लोकेलिटी में रहते हो आप बस वहीं पर रह सकते, आप वहीं पर वोट दे सकते हो। इन केस अगर बाद में घर अपना चेंज करते हो तो हर साल वोटिंग से पहले आप अपना एड्रेस चेंज करा सकते हो उस वोटर आईडी कार्ड के अंदर, ठीक है। फिर आप जिस लोकेलिटी में जाओगे बाद में, फिर आप उस लोकेलिटी के जो भी वहाँ के एरिया के जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे इलेक्शन में, आप उनको वोट दे सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बार में एक ही जगह से, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एटमॉस्फेयर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।